जिस मकसद के लिए ये सेशन बुलाए गए हैं उस पर अभी तक कोई मुअस्सर बहस होती नजर नहीं आ रही है। और फिर ऑपोजिशन वजीर आजम इमरान खान के सेशन में शिरकत का मुतालबा कर रही है, तो जो जो हुकूमती वज़रा है वो शहबाज शरीफ के असेंबली में ना आने की वजाहत तलब कर रहे हैं, ये इसको किस तरह से आवाम देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि वजीर आजम इमरान खान साहब तो कोरोना सिचुएशन पे डेली बेसिस के ऊपर जो है वो मीटिंग्स भी ले रहे हैं और वो पूरी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व है। अभी भी थोड़ी देर पहले एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी कोरोना वायरस से रिलेटेड, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी नेशनल इमरजेंसी भी है और एक नेशनल क्राइसिस भी है और इस वक्त सबको मिल बैठने की जरूरत है और ये इसी मकसद से ये सेशन कॉल किया गया था। हालांकि ये बड़ा हाई रिस्क एक वो भी था कि इतनी वबा जब फैली होती है तो जिस तरह से सारे मेंबर्स के पहले टेस्ट किए गए और फिर उसको सेशन में आने की इजाजत दी गई, तो इसके अंदर होना तो यही चाहिए था कि इसके अंदर सब अपनी तजावीज लेकर आते कि किस तरीके से जो है हम इसको इफेक्टिव तरीके से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं और साथ साथ जो है मईशत को भी हम लोगों ने बचाना है और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका भी ख्याल करना है। तो मगर जिस तरह से हमने देखा कि ये बिल्कुल भी जो है ये अभी तक फ्रूटफुल नहीं हुआ और इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने डिप्टी स्पीकर साहब को एक लेटर लिखा था कि इसके अंदर जो टेक्निकल बातें हैं वो की जानी चाहिए और फिर कल उनको बुलाया गया फवाद चौधरी को कल के सेशन में। होपफुली वो कोरोना वायरस को किस तरह से टेक्निकली डील करना है और पाकिस्तान में क्या, तो वो एक बहुत पॉजिटिव इनपुट देंगे। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने सेशन में इंटरेस्ट लिया और इसके अंदर एक पॉजिटिव इनपुट देने की बात की, ऑपोजिशन को भी इसी तरीके से करना चाहिए था ताकि ये एक डिबेटिंग क्लब ना बने।